हाय फ्रेंड्स, दोस्तों देखिए, यह है हमारा छोटा मछली। देखिए ये छोटा मछली है, इसमें अब हम ऐड करने वाले हैं ये सॉल्ट और इसमें डालेंगे हम दोस्तों टर्मरिक पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, हाफ टी स्पून हम। और इसमें डालेंगे दोस्तों यह रेड चिल्ली पाउडर्स। मछली को कैसे फ्राई करते हैं तो देखिए, उस तरफ हमारा तेल गरम हो चुका है, हो रहा है, इसको अच्छा से मिला लेंगे। ऐसे हाथ से मिलाने के बाद इसमें आप दूसरा भी ऐड कर सकते हो, जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी आप ऐड कर सकते हो, जो आपका चॉइस है। ये जो कि है दोस्तों सिंपली फिश फ्राई, फिर इसे आप दूसरे सब्जी में भी आप पका सकते हो। इसको लेके देखिए हमारा पूरा रेडी हो चुका है। और देखिए इसको हमने अच्छे से मिला लिया है। देखिए दोस्तों, अब इधर हमारा कढ़ाई में तेल डालने के बाद ऐसे हाथ लगाना, उसका जो तेल गर्म होने के बाद एक धुआं सा निकलता है। देखिए ऑलरेडी हमारा धुआं निकल रहा है, जो कि हमारा तेल गर्म हो चुका है, सिग्नल दे चुका है। तो हम क्या करेंगे अभी, ये जो छोटा मछली है हाथ से ही डालेंगे एक एक। थोड़ा गैस को थोड़ा लो फ्लेम कर देते हैं। और थोड़ा डालते हैं दोस्तों, इसको अभी हम ढकने वाले नहीं हैं, इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे एक 10 मिनट तक के लिए। देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा गैस को थोड़ा हमारा कढ़ाई को थोड़ा घुमा देते हैं, क्योंकि हमने तेल हिसाब से ही दिया, ज़्यादा नहीं दिया तेल, ऐसे थोड़ा घुमा कर दिया। तो अभी इसको ऐसे ही होने देंगे। देखिए दोस्तों 5 मिनट हो चुका है, अब उसको हम उल्टा पलटा करके देंगे, ऐसे पकड़ के ऐसे मार देंगे। अगर आप सूप में देना चाहते हैं तो ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप डायरेक्ट फ्राई खाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा फ्राई करने की ज़रूरत है। देखिए हमारे एक भी मछली फूटा नहीं है, जैसा दिया था वैसे ही है। देखिए दोस्तों, हमारा जो कि छोटे मछली का फ्राई जो कि रेडी हो चुका है, अब इसको हम बाजू में निकाल लेते हैं, इसको भी निकाल लेंगे। देखिए फिर से हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब उसमें जो बचा हुआ फिश है उसको भी डाल देते हैं।
आज इसका रेसिपी होगा। देखिए इसको थोड़ा अलग कर देते हैं अभी, क्योंकि अलग करने से थोड़ा जल्दी फ्राई होगा दोस्तों। इसको भी लो फ्लेम कर देते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे लाइक एंड कमेंट करें।